नमस्कार दोस्तों, सिंटू गुप्ता ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया गया था। टाइपिंग का काम था उसमें, आपको करना क्या था कि घर पे बैठ के और साइट से कुछ आपको मिलेगा कंसाइनमेंट, वो आपको करना होता है। तो अभी मैंने वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मुझे भी करना है। कुछ लोग बोला कि ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सारे कमेंट आया। तो मैं इस पर क्लियर आपको करना चाहूँ कि फ्रॉड तो है लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड बहुत सारे ऐसे साइट है जो कि फ्रॉड कर रहा है। क्या करता है, देखिए किस तरह से आपको फंसाएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपसे क्या बोला जाता है, या तो हो सकता है कि कुछ पैसा ना भी ले, कुछ पैसा आपसे ना ले, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह वगैरह। अभी जो मैंने डाला था उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी कुछ था, रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं था। अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो 599 रुपए के आसपास में कुछ चार्ज लेगा, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड देगा। तो इस वो साइट छोड़ के मैं दूसरे साइट पे चलता हूँ और उस तरह के बहुत सारे साइट हैं जो कि आपको क्या करेगा कि सबसे पहले एक्सेस आप वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हैं और देखिए कैसे लुभाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं सर्च कर रहा हूँ टाइपिंग जॉब गूगल पे या जो भी जॉब वाले साइट है, जितना भी जैसे इंडीड हो गया और भी बहुत तरह के, जॉब सीकर हो गया, बहुत तरह के जहाँ पे आप डालते हैं तो क्या करता है, वहाँ से लोग पता कर लेता है कि हाँ ये आदमी इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हो सकता है आपके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आए या मेल आए कि आप टाइपिंग घर बैठे ये टाइपिंग कीजिए। देखिए सभी कंपनी जितना भी जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रॉड नहीं है ऑनलाइन का, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो है वो फ्रॉड तरीका से कर रहा है। अभी मेरे पास एक केस आया था जो कि मैंने केस आया था, मतलब उस केस के बारे में मुझे जानकारी मिला। होता क्या है कि आपके पास मैसेज भेज दिया, आप उसके साइट पर जाके वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आया, आपको एक काम दे दिया गया करने के लिए। उसमें आपको लिख दिया कि मुझे एक्यूरेसी चाहिए 80% और टाइम लिमिट कुछ नहीं है, ऐसा करके आपसे फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे फ़ोटो सिग्नेचर ये सब व्हाट्सएप पे मांग लेता है। और उसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन रहता है, बहुत सारा एग्रीमेंट रहता है जो कि आपको दिखाता नहीं है कि क्या एग्रीमेंट है। और ये वही साइट है जो नहीं दिखाता है जो फ्रॉड करने वाला होता है। मान लीजिए कोई कंपनी आपको जॉब दे रहा है तो आपको सारा चीज़ टर्म एंड कंडीशन क्लियर करके बताएगा कि ये टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन जो फ्रॉड करने वाला है वो टर्म एंड कंडीशन आपको बताएगा नहीं कभी भी, क्योंकि उसको फ्रॉड करना है। अब होता क्या है कि आप जैसे ही आप अप्लाई किए आपको आईडी पासवर्ड मिल गया। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको क्या करता है कि एक काम दे देगा, एक पेज दे देगा या जो भी टाइपिंग वाला जो भी प्रोसेस है वो दे देगा। आपको बोलेगा कि मुझे कोई टाइम पीरियड नहीं चाहिए, आप मुझे टाइपिंग करके दीजिए 80% या कुछ भी। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको कुछ पेमेंट दे भी दे, और अगर नहीं देता है, बहुत कम ही होता है कि फर्स्ट टाइम पेमेंट दे, लेकिन और अगर नहीं देता है तो क्या करेगा आपको कि आपको मेल करेगा, आपका जो भी काम था वो काम करके आप दे दिए, आपको दे दिया 5 दिन का टाइम या नो टाइम पीरियड लिख दिया। लेकिन आप जब यहाँ से अपना टाइपिंग का डेटा तैयार करके उसको मेल कर रहे हैं या उसके वेबसाइट पे आप अपलोड कर रहे हैं तो उधर से मेल आता है रिव्यू करने के बाद। आपको मेल आएगा, मेल पे लिखेगा कि आपका जो एरर है ये एरर है और इतना एरर है, और उसके बाद आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, जो भी आपका टाइम था उसके अंदर आप नहीं दिए, तो इसलिए हमारे क्लाइंट से इतना मुझे लॉस हो गया है तो आप मुझे इतना रिकवर आपको करना पड़ेगा। तो आप उसमें मना कर देते तो क्या करता है वो फ्रॉड, एक लीगल एक्शन लेता है, लीगल वो भी फ्रॉड होता है, एक आपको नोटिस इशू कर देगा कि आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट किए हैं, ये एग्रीमेंट के अनुसार हम आपको इतना फाइन लगा रहे हैं, जो कि ये फ्रॉड होता है। और एग्रीमेंट में बतौर सारा चीज़ लिखा होगा कि आप अगर 80% से कम करते हैं तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, आपका फर्स्ट पेमेंट जो भी आता है फर्स्ट पेमेंट में से आपको 10% या 15% आपको रिटर्न देना पड़ेगा, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। तो अब मान लीजिए कि आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, अब क्या किया, नोटिस आ गया उस पर पुलिस और वगैरह वगैरह का कोर्ट का,
और पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आपको गुजरात या कोई अदर स्टेट, कोई भी अदर स्टेट से आपको आएगा और बोलेगा क्या कि आपको या तो आप कोर्ट में आइए क्योंकि मेरा इतना का लॉस हुआ है, या तो आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो इतना का लॉस हुआ, आप कोर्ट में आइए, आप पे लीगल एक्शन लेंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर आए आपके पास तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और मैं बिल्कुल घबराना नहीं है, और तुरंत साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट कीजिए। साइबर क्राइम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने साइबर क्राइम से ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट देखे हैं जो कि उन्होंने सॉल्व करा है। उसके बाद आप देखिए, जाहिर सी बात है कि सब कोई आज के डेट में जॉब करना चाह रहा है, जो भी घर पे बैठा हुआ है या जिसको भी जॉब की नीड है। तो बहुत सारे दोस्त का कमेंट आ रहा है, मुझे भी घर से टाइपिंग करना है, मुझे भी जॉब दिलवा दीजिए। देखिए, जॉब हर कोई करना चाहता है, सबके पास पैसे की दिक्कत है, इकोनॉमिकल सब कोई के पास दिक्कत होता ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको टाइपिंग का जॉब करना है तो टाइपिंग का जॉब भी एक अच्छे वेबसाइट को पहले रिसर्च कीजिए कि अच्छा वेबसाइट कौन है, उसका रिव्यू लीजिए। रिव्यू लेने के बाद अगर वो कंपनी आपको सारा टर्म एंड कंडीशन का दिखा देता है, ठीक है, या जो भी है, बहुत अच्छे से जेन्युइन तरीके से आप काम कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि मुझे मान लीजिए मैं अपने पे ले रहा हूँ, मुझे अभी कहीं जॉब करना है और मैं घर पे बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं कोई भी मिल जाए, कहीं से भी पैसा आने लगे तो सही है, तो कहीं से भी पैसा आने लगे सही है, सही है। लेकिन उसके चक्कर में आप क्या होते हैं ना, कि एक जाल में, एक ट्रैप में आप फंसते चले जाते हैं। तो उस ट्रैप से बचना है और जेन्युइन साइट पे आप जाइए, जेन्युइन साइट पे आप सर्च कीजिए, उसका रिव्यू लीजिए। मान लीजिए 500 वेबसाइट है, 500 वेबसाइट एक एग्जांपल 500 वेबसाइट है, तो 500 वेबसाइट को अच्छे से रिसर्च कीजिए कि कौन जेन्युइन है, उसका कमेंट में देखिए या उससे बात कीजिए, उसका सारे टर्म एंड कंडीशन जानिए और फ्रॉड से बचिए, मैं तो यही बोलूँगा। और बहुत सारे लोग जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, जॉब तो सब कोई की नीड है, सब कोई को पैसे की ज़रूरत है आज के डेट में, ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे कि आप इस तरह के जितने भी टाइपिंग का या घर बैठे वर्क फ्रॉम होम या जो भी इस तरह का आता है, तो बेहद ही सतर्कता पूर्वक से आप इसको पहले जांच कीजिए कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल फ्रॉड कितना चल रहा है और ख़ास करके ऑनलाइन फ्रॉड कितना चल रहा है। आपको कॉल पे ही आपको बोलेगा, नोटिस भेज देगा कि नहीं आप मेरे कंपनी के साथ आपने कंपनी का नियम का उल्लंघन किया है क्योंकि आपका एग्रीमेंट इतना दिन तक था। हाँ देखिए, बहुत सारे, अब इसमें एक बात और बोलना था मुझे, देखिए बहुत सारे ऐसा भी है कि बहुत सारा मान लीजिए आपको कोई टाइपिंग वाला कंपनी है, वो आपको जॉब दे रहा है तो आप पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले वो सब जेन्युइन होता है, आप पे पैसा इन्वेस्ट किया, आपको एक बखूबी एग्रीमेंट दिखा देता है कि ये एग्रीमेंट है, आपको इतना महीना तक, इतना साल तक आपको मेरे साथ काम करना है, क्योंकि मेरे साथ काम करना है, उसके बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि मुझे इतना परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो लॉस होने के कारण मुझे इतना पैसा लॉस होगा तो वो मैं आपसे रिकवर करूँगा। इस तरह का टोटल चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा देगा ताकि आप उस कंपनी को ब्लेम ना कर सके कि हाँ इसने फ्रॉड किया है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि फ्रॉड है। देखिए फ्रॉड नहीं है, आपसे आपको एक कंपनी कोई क्या है कि आपको हायर कर रहा है तो आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करता है ट्रेनिंग देने में, समझाने में, सिखाने में। मान लीजिए उस कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे 80% एक्यूरेसी चाहिए और आपका एक्यूरेसी 80% नहीं हो रहा है तो कंपनी तो आपको जॉब पे रखेगी नहीं, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको निकाल देती है या आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट नहीं देती है। तो आप लोग बोलते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, नहीं उस कंडीशन में कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी आपको पहले ही टर्म एंड कंडीशन समझा दिया था कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, मैं बीच बीच में आपको वीडियो देते रहूँगा कि कहाँ पे वैकेंसी खाली है, कहाँ पे ऑनलाइन जॉब जो है घर बैठे टाइपिंग का या जो भी घर बैठे वो जेन्युइन साइट ही मैं दूंगा ताकि आप उस पर अप्लाई कर सकें। वैसे मैं अभी जियो में प्रेजेंट टाइम वर्किंग हूँ और मैं जियो से रिलेटेड सारी वैकेंसी बताते रहता हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्लॉक में और कहाँ कहाँ पे जॉब खाली है।
तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी जगह का मैं वीडियो डालते रहता हूँ। आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं इस स्टेट से हूँ, इस स्टेट का मुझे वीडियो बना के दीजिए, तो मैं बहुत ही जल्दी उस स्टेट का वीडियो प्रॉपर कहाँ कहाँ पे वैकेंट है वो चीज़ मैं आपको डाल के और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और जो हमारे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं वीडियो जॉब से रिलेटेड अपडेट करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।